अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आ जाते हैं बेसिक वॉफल स्लैश पैनकेक मिक्स के लिए, और चीज़ें सारी वेट की हुई है। 500 ग्राम मैदा, साथ में इसमें 75 ग्राम आइसिंग शुगर आ गया, बारीक पिसी हुई चीनी, साथ में इसमें आपने मिल्क पाउडर डालना है 100 ग्राम, यह आ गया नमक इसमें 1 टीस्पून, सो 1 खाने के चम्मच बेकिंग सोडा आ गया और 1 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर आ गई। साथ में इसमें हम शामिल कर रहे हैं 2 खाने के चम्मच वनीला एसेंस, ऑल दो ये वेट मिक्स, ये वेट एसेंस होता है, ये लेके इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स कर लेना है। ये हमारा मिक्स रेडी हो जाएगा, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। सो इसको पहले अच्छी तरीके से मिला लिया। सबसे पहले पैनकेक मिक्स बनाते हैं, और पैनकेक मिक्स के लिए इसी मिक्स में से हम यहाँ पे एक बॉल ले लेंगे और इसमें शामिल करेंगे हम 2 कप इसका ड्राई मिक्स। तो ये हम बेसिकली पैनकेक पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम अंदाजन में अपने हिसाब से इसमें 2 कप 3 अदद अंडे इसमें हम तोड़ के शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल किया, इसको मिक्स करेंगे। मक्खन जो पिघल गया ये इसमें शामिल कर दें। अब इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे, थोड़ा सा हमने ऑयल डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 खाने का चम्मच बस। सो यहाँ पे एक लेडल लिया चम्मच, और इससे हमने इसके सेंटर में ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके इसके ऊपर बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे, और बहुत धीमी आंच पे पकाना है। सो ये मशीन हमने पहले से ऑन करके रखी हुई है, और यही मिक्स लेके हमने इसमें शामिल कर देना है। ये सेंटर में डाला और बस। सो यही मिक्स जो हमने जिससे वॉफल बनाए थे उसी से हम पैनकेक, और इसके बाद इसको अपने आराम से बंद कर दिया, प्रेस ना कीजिएगा ज़ोर से। दैट्स इट, इसका कुकिंग टाइम इस मशीन में अप्रॉक्सीमेटली कोई 1.5 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। हाँ, तैयार हो गया। अच्छा, इसको निकालने का तरीका, एक तो नॉन स्टिक है तो इसको कोशिश करें किसी स्टील के चम्मच से भी अगर निकाल रहे हैं तो वो ज़्यादा उसको टच ना करें नीचे। ये साइडें जो इसकी हैं ये आमतौर पर ट्रिम की जाती हैं। इसको पहले अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, मक्खन सारा इसमें शामिल कर देते हैं, और फिर हमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है। ये मिक्स हमारा रेडी हो गया। ये बेसिकली जो मिक्स है ये वॉफल कोन के लिए है। ये हमारा वॉफल मिक्स तैयार हो गया, और वॉफल कोन का, और इसके बाद आपने इसको प्रेस कर देना है और छोड़ देना है। इसका कुकिंग टाइम इस वॉफल से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसकी थिकनेस कम है, क्वान्टिटी इसमें कम है, और इसको थोड़ा प्रेस करके रखे देंगे। ये देखें, ये आ गया। इसके बाद सिंपली आपने लिया कोन, और आपने इसको इस तरह रख के ग्लास में, मैं इसमें से रख रहा हूँ ताकि हमें फौरन इसकी शेप मिल जाए। देखें, इसको हम काट लेते हैं। सो ये हमारे सारे के सारे हार्ड बन गए। सो हमारे सारे के सारे स्टैक रेडी हो गए। पहले ये रख लेते हैं, एक टिपिकल जो अगर कभी आपने ये उस पर देखा होगा मैगजीन्स पे, ये इस तरह का एक डैब होता है बटर का, बनाना के साथ भी इसका अच्छी कॉम्बिनेशन है, आइसक्रीम की भी अच्छी कॉम्बिनेशन है। इसके ऊपर हम थोड़े से ज़रा ये चॉकलेट चिप कुकीज़, चीज़ें हमारी रेडी हैं। हमने ये कोन भी निकाल लिया, और अब तो हम ये आइसक्रीम लेके ये हमारे कोन तैयार हो गए, और ये हमारे वॉफल्स तैयार हो गए। चले, प्रोग्राम का टाइम हो रहा है ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।